खबर टोंक जिले से है, जहां के निवाई ग्राम बड़ी बरथल तिराहे ट्रांसफार्मर में शोर सर्किट होने से शिवराज कालू और गिरधारी नामक किसानों के घरों में आग लग गई। जानकारी मिलते ही बरौनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही निवाई नगर पालिका से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दमकलों ने आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने से 20 बोरी अनाज, 2 ट्रॉली पशु चारा, चारपाई सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित किसानों का कहना है कि पिछले दिनों से स्पार्किंग होने के बाद बिजली विभाग को कई बार सूचना दी गई, लेकिन विभाग ने लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। टोंक से कजोड़ गुर्जर की रिपोर्ट। जरिए टीपी इतला मिल गई, बर्तन तिराहे पे आग लग गई। इतला पर फायर ब्रिगेड वगैरह को इतला दिए, मौके पे आए हूँ। आग आग पे काबू पा लिया गया। ये आग है जो कि अन्य कारणों से शिवराज मीणा, कालू राम मीणा, गिरधारी मीणा, सनो गिरराज मीणा निवासी बड़ी बर्तन के ये बाड़े में चारा, लकड़ियाँ और गेहूँ की बोरियाँ वगैरह रखी हुई थी, उनमें लगी है। तो इसके बारे में जब भी रिपोर्ट देंगे, उचित कार्रवाई जो भी अमल मिला। 3:30 बजे हमारा घर में आग लग गई, डीपी की वजह से शॉर्ट सर्किट है पास हूँ, जिनमें 20 बोरे अनाज गई, 2 ट्रॉली चारों खाटा और बर्तन भांडा कपड़ा लता सब बड़बड़ा खा के गया, मैं बर्बाद है गया।